हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी फ्रेंड्स? आज हम बनाएंगे ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक यानी सहजन की सब्जी, जिसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ और इसे ये साइड से जो होता है ना, ऐसा ग्रीन वाला छिलका मैं इसका निकाल दूँ। मैं इसे अच्छे से कट करके धो के रख ली हूँ। अब मैं इसे बॉयल करूँगी। आप इसे चाहे तो स्टीम कर सकते हैं, मैं इसे हल्का बॉयल करूँगी। चलिए करते हैं। ये देखिए, पानी हमारा उबलने लगा है। हम इसमें थोड़ा, एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे और ये सारा ड्रमस्टिक इसमें एक मिनट तक इसको हम बॉईल करेंगे। एक से दो मिनट तक बॉईल करेंगे ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। आप चाहें तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं। मैं इसे बॉईल कर रही हूँ और इसमें ये आलू भी डाल देंगे इसके साथ। ज़्यादा मैश नहीं होगा, ये बस एक बॉईल होगा और इसको हम निकाल लेंगे। चलिए, जब तक ये होता है तब तक हम मसाला रेडी करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले में मैं सबसे पहले डालूंगी सरसों यानी राई, मस्टर्ड जिसे कहते हैं, एक चम्मच, और हल्दी, और एक छोटा चाय चम्मच उसमें डालेंगे जीरा, धनिया पाउडर, और इसमें ये हम 6-7 काली मिर्च डालेंगे, और ये लहसुन, 2 लाल मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें इसी के साथ मैं 2 हरी मिर्च डाल दूंगी और इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कच्चे मसाले रेडी हो गए बनके। अब हम टमाटर और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो टमाटर और प्याज को ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं काट के डालूंगी। और टमाटर का ऐसा छिलका निकाल देने से ना, अभी क्या है, ये सब टमाटर का बहुत मोटा छिलका आता है, तो इसको ऐसे निकाल देने से हमारा टमाटर जल्दी गल जाएगा। ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको ऐसे काट के इसका सारा छिलका निकाल देंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है ये। ये देखिए, ये रहा हमारा टमाटर। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसी तरह हम प्याज को भी काट लेंगे। ये देखिए, प्याज टमाटर हमारे कट गए। और मैं हरी मिर्च को ना उसमें 2 डाली हूँ और ये 3। मैं ऐसे ही कट करके ऊपर से डालूंगी कि जिसको नहीं खाना हो वो इसको निकाल देगा, जिसको खाना हो वो खा लेगा। वैसे ही वो उसमें लाल वाली मिर्च डाली हो तो स्पाइसी होगा, इसके लिए मैं बस यहाँ पे 3 ही डाली हूँ। देखिए, हमारा सहजन यानी ड्रमस्टिक कैसे बॉयल हो रहा है। अभी हो गया है, इसका पानी हम छान के निकाल लेंगे, फिर हम इसको बनाएंगे। हमारा पैन गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों तेल। आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। मैं इसमें सरसों यानी मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये ड्रमस्टिक और आलू थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो बिना फ्राई के भी बना सकते हैं, डायरेक्ट मसाला डाल के उसमें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दोनों को थोड़ा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए ऐसे। ये देखिए, इसको थोड़ा ऐसे चला चला के बस हल्का सा इसे सॉटे करेंगे यानी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैं बॉयल की हूँ, ये ज़्यादा गला भी नहीं है, मतलब मैश भी नहीं हुआ, अच्छे से ये ग्रेवी में पक सकता है। तो इसे आप स्टीम कर लें या फिर बॉयल कर लें। ये देखिए, थोड़ा सा हम भून लिए। अब हम इसे निकाल के सेम फ्राई पैन में मसाला भूनेंगे। इसी में हम यहाँ तेल डालेंगे। आप चाहें तो इसे एकदम, मतलब जैसे आलू को है ना फ्राई करके एकदम लाल कर लेते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा ही की हूँ। देखिए, फिर ये हमारा तेल गरम हो गया है। यहाँ तड़के में मैं डालूंगी जीरा, तेज पत्ता, और ये जो प्याज कट करके रखे थे वो, और इसे भून लेंगे हम। ये देखिए, प्याज हमारे भुन गए हैं। अब इसी में जो मैं मसाला बनाई थी ना वो मैं डाल के इसको भूनूंगी, और साथ में ही ये टमाटर डाल दूंगी ताकि इसके साथ दोनों भुन जाए, अच्छे से गल जाए। इसके बाद बाकी जो मसाले हैं इसमें हम डाल के भूनेंगे। ये देखिए, हमने टमाटर भी डाला है ना साथ में, तो इसके लिए
नमक भी साथ में ही डाल देंगे ताकि ये टमाटर जल्दी से गल जाए। आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं, थोड़ा टमाटर में नमक डाल के गला सकते हैं, बाकी नमक बाद में, लेकिन मैं साथ में ही डाल दी हूँ। और इसमें थोड़ा ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ जो तीखे वाली नहीं है, और इसी के साथ थोड़ा धनिया पाउडर और जीरा तो मैं ऑलरेडी पहले ही डाल चुकी हूँ तो वो मैं डाल डालूंगी। बस इतना ही मसाला रहेगा और जब पक जाएगा ये अच्छे से सब्जी तो एंड में हम इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल के मिक्स कर लेंगे। इसको ढक के हम मसाले को भूनेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ये देखिए हम खोल के एक बार और इसे फुला लेंगे अच्छे से और इसे भूनेंगे जब तक ये पूरा तेल ऊपर ना आ जाए अच्छे से और ये पैन मसाला मतलब मसाला पैन छोड़ ना दे, तब तक हम इसे भूनेंगे और इसी में हमारा टमाटर भी गल जाएगा। उसके बाद हम इसमें ड्रम स्टिक और सहजन डाल के पकाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, इसे हम एक बार और चला लेंगे। ये देखिए तेल भी छोड़ दिया है और टमाटर मसाला सब अच्छे से भुन गया है। अब इसी स्टेज पे मैं इसको डाल के थोड़ा भूनूंगी मसाले के साथ। आपको चाहिए तो आप ऐसे भी, मसाला भुन गया है तो पानी डाल के इसमें मसाला अच्छे से बॉईल करके फिर उसमें ड्रम स्टिक और आलू को मिक्स करके पका सकते हैं। मैं थोड़ा इसके साथ इसको भूनूंगी। ये देखिए इससे मसाला अच्छे से कोट हो गया है यानी मिक्स हो गया है। थोड़ा इसे एक मिनट तक मैं ऐसे ही भून के फिर उसमें पानी डालूंगी। ये देखिए अब हमारा ये सब सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो के भून गया है। देखिए साइड साइड से तेल भी छोड़ने लगा है। अब इसमें हम हल्का गर्म पानी डालेंगे, आप चाहें तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी डालने से क्या होता है ना कि सब्जी जल्दी उबलता भी है, टाइम नहीं लगता है और अच्छा टेस्ट भी आता है। इसके लिए जब भी सब्जी ग्रेवी वाला बनाए तो पानी हल्का गर्म ही करके बनाए। अभी देखिए आपको जितना थिक चाहिए उतना आप रख सकते हैं, जितना ग्रेवी चाहिए उतना भी आप पानी डाल सकते हैं। अब इसे हम यहीं पे ये जो मिर्चें मैं काट के रखी थी चिली, मैं उसे डाल दूंगी और इसे ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी बन के रेडी है। देखिए आलू भी गल गया है ये देखिए, और ग्रेवी भी थिक हो गया है। आपको इससे भी थिक चाहिए तो और पानी कम डाल सकते हैं, मुझे इतना ही चाहिए था तो मैं इतना रखी हूँ। अब इसमें ऊपर से ये छोटा सा चम्मच गरम मसाला डाल के और इसे मिक्स कर देंगे, उसके बाद इसे उतार देंगे। अब ये सब्जी हमारी बनके रेडी है। थोड़ा सा ये एक मिनट ऐसे पक जाए फिर हम उसको उतार देंगे। ये देखिए ड्रम स्टिक का सब्जी बनके रेडी है और इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन देखिए थोड़ा धनिया पत्ता डाल दिए तो थोड़ा सुंदर दिख रहा है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।